भी हिमाचल को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूं कि आम आदमी पार्टी द्वारा 800 office bearers of the newly inducted panchayat level functionaries have emerged at Solan in the Aam Aadmi Party's oath-taking ceremony, where national convener of the party, Arvind Kejriwal, will be arriving shortly. He'll be administrating the oath of secrecy to these office bearers. This event is being seen as an attempt by the party to showcase its grassroots level reach ahead of the assembly elections slated to take place at the year end. नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी। सोलन में इस वक्त भारी संख्या में जगह जगह से आए हुए हमारे कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी को चाहने वाले, देश को चाहने वाले और देवभूमि हिमाचल को तरक्की के राह पर, रास्ते पर देखने वाले सभी जितने भी नौजवान, बुजुर्ग, माएं बहनें बड़ी गिनती में आए हैं, आप सबका हम स्वागत करते हैं। और अरविंद केजरीवाल जी, जो कि नेशनल कन्वीनर हैं और देश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, वो साथ में हैं। सबसे पहले हम माफी चाहते हैं कि मौसम की खराबी की वजह से हमें रास्ते में से वापस जाना पड़ा, वरना आपके आई कॉन्टैक्ट के साथ सामने से दर्शन होते तो बात कुछ और होती, लेकिन कोई बात नहीं, वर्चुअली आपके साथ हम जुड़े हैं। सबसे पहले मैं बधाई देनी चाहता हूं हमारे हिमाचल के प्रधान साहब, हिमाचल के संगठन के पदाधिकारी, और आज जो 6000 से ज्यादा संगठन का विस्तार हो रहा है, तब हम जिस गांव में भी जाते थे उस गांव में लोग अपना नाम लिखवाते थे कि हमें भी इसी पार्टी में काम करना है, हमें भी इसी पार्टी में काम करना है। कई बार मैं रैली के बाद या जो गांव में इकट्ठ होता था उस मैं चला जाता था, लेकिन एक आदमी रजिस्टर लेकर बैठ जाता था, वो घंटा घंटा नाम लिखता रहता था कि जी मेरा नाम भी लिख लो, मेरा फोन नंबर भी लिख लो, मैं भी पंजाब को दोबारा पंजाब, दोबारा रंगला पंजाब देखने में अपना हिस्सा, अपना योगदान जो है वो देना चाहता हूं। तो ऐसे धीरे धीरे हमारा संगठन बना, फिर जिला प्रधान बने, ब्लॉक प्रधान बने, सर्कल प्रधान बने, गांव का प्रधान बना, वार्ड का प्रधान बना, फिर बूथ पर दो दो, तीन तीन, चार चार, पांच पांच लड़कों ने जिम्मेदारी संभाली, खासतौर पे यूथ ने। तो आज उसी संगठन की वजह से आप देख रहे हो कि सिर्फ 8 साल में 14 में जिस पार्टी का एक भी वॉलंटियर किसी गांव में नहीं था, 2022 में उस पार्टी की 92 विधायकों के साथ 117 में से आज सरकार है। इसीलिए कार्यकर्ता को रीढ़ की हड्डी बोला जाता है, कार्यकर्ता रीढ़ है। तो आज सभी कार्यकर्ता आए हैं, आप लोगों का योगदान इतिहास में लिखा जाएगा, सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा कि आप लोगों ने हिमाचल के आने वाले चुनाव में जब आप मेहनत करोगे, जब आप जाओगे, कुछ दुश्वारियां भी आएंगी, मुश्किलें आएंगी, क्योंकि जो भी आदमी सिस्टम के खिलाफ बोलता है या सिस्टम को अच्छा करने की या सिस्टम को सुधारने की बात करता है, ये नेचुरल है, ये पक्की बात है कि जो उस सिस्टम से फायदा लेते हैं, जो उस सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं, वो बाउंस बैक करते हैं। हमारे पंजाब में भी हुआ, किसी पे पर्चा कर दिया, किसी को बोल दिया तुमने आज जाना नहीं है, कहीं रैली करनी, बसें नहीं जाने देनी, ऐसा हुआ। लेकिन दरिया जो है
वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं, दरिया को रोका नहीं जा सकता। सो आप दरिया के रूप में आज आम आदमी पार्टी के समंदर में आ रहे हो, आप सबका स्वागत है, वेलकम है। और मेरे लिए हिमाचल जो है वो दूसरे घर की तरह है, क्योंकि मैं बहुत, जब मैं कलाकार के तौर पे काम करता था, बहुत से शो बहुत बार हिमाचल में, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू, शिमला, रिकांगपियो, बहुत बार हमने परफॉर्म किया। और कई बार मैं पूछता था हिंदी में बोलूं या पंजाबी में, तो ज़्यादातर लोग कहते थे पंजाबी पंजाबी। सो हमारा रिश्ता छोटे बड़े भाई का है हिमाचल के साथ। और आज एक ओथ, एक प्रण लेना है कि हमने देश के लिए काम करना है। हिमाचल और पंजाब की एक सिमिलरिटी है, एक समानता है। हिमाचल और पंजाब के बहुत बड़ी संख्या में नौजवान जो हैं वो फौज में हैं, वो अफसर हैं फौज में, वो बॉर्डरों पर हमारे देश की जो आजादी, जो भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, जो लाला लाजपत राय, मदन लाल ढींगरा, जो करतार सिंह सराबा ने लेके दी थी, उसकी रक्षा करते हैं। तो इसलिए हम लोग देशभक्त लोग हैं, हम अपने देश को आगे लेके जाने के लिए कोई भी प्रण कर सकते हैं। दिल्ली के बाद पंजाब, पंजाब के बाद अब हिमाचल, और मौसम थोड़ा ठीक हो जाए तो आपसे मिलना जुलना आसान भी हो जाएगा और मिलना जुलना ज्यादा भी हो जाएगा। तो जितने भी इस वक्त कार्यकर्ता सुन रहे हैं स्क्रीन पर, हम लोग आम लोग हैं, हम लोग किसी पॉलिटिकल फैमिली से हम नहीं आए, किसी का बाप मंत्री नहीं था, किसी का ताया राज्यपाल नहीं था, किसी का चाचा किसी पार्टी में कोई बड़े पद पर नहीं था। हम आम लोग हैं, कोई वकील है, कोई कलाकार है, कोई पत्रकार है, कोई डॉक्टर है। अरविंद जी IRS ऑफिसर थे, इनकम टैक्स कमिश्नर थे। इनकम टैक्स के ऑफिस में कहा जाता है कि कर्मचारी भी अगर चाहें, सभी एक जैसे नहीं होते, तो वो एक दिन में नोटों की बोरी भर के लेके जा सकते हैं घर पे, लेकिन कमिश्नर लेवल पे तो बहुत ही बड़ी बात है। तो इन्होंने अपनी उस नौकरी को त्याग कर ये फैसला किया कि मैं देश के लिए लड़ूंगा। दुश्वारियां आई, 15-15 दिन, 20-20 दिन अनशन पे बैठे, उठा के ले गए, जेल गए, बहुत खुश हुआ, लेकिन आज वो देश के सबसे क्रांतिकारी मुख्यमंत्रियों में उनका नाम आता है और पूरे देश की राजनीति को उन्होंने बदल के रख दिया। इन्होंने पहले ही कहा था हम राजनीति करने नहीं, हम राजनीति बदलने आए हैं। पंजाब में ये बात मेरी ध्यान से सुन लेना, 92 MLA हैं, उन 92 से 82 पहली बार MLA बने हैं, और 26 साल के, 27 साल के, 28 साल के, 29, 30, 31, 32, 33, 35 साल तक 50 से ज्यादा हैं। इसका मतलब क्या है? ये काम सिर्फ आम आदमी पार्टी कर सकती है कि आम लोगों के बेटे बेटियों को विधानसभा की या लोकसभा की सीढ़ियां दिखा सकती है, वरना जो रवायती पार्टियां हैं उनमें तो बारी ही नहीं आती। वहां तो फैमिली कल्चर चल गया, बाप बेटा बहू भुआ मामा फुफा यही चलता है। आम लोग तो सिर्फ या तो लाठियां खाने के लिए या फिर नारे लगवाने के लिए रखे हुए हैं बस। आप वहां जाओ, पानी के कैनन के सामने तुम खड़े हो, मुर्दाबाद के नारे तुम लगाओ, जीतेंगे हम। तो आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आम लोगों को आगे लेकर आती है, उनमें मैं भी हूं। मैं एक टीचर का बेटा हूं, मेरे पिताजी साइंस मास्टर थे,
मैंने नहीं सोचा था कि एक पार्टी बनेगी, मैं उसका मेंबर बनूंगा और फिर उसके बाद वो पार्टी मुझे इस ओहदे तक ले आएगी कि पंजाब को ठीक करने की जिम्मेदारी मेरी जो 3.25 करोड़ लोगों ने, पंजाब के लोगों ने दी है। हम मिलके काम कर रहे हैं, हम छोटे बड़े भाई की तरह काम करते हैं। हमारे यहाँ बॉस कल्चर नहीं है आम आदमी पार्टी में कि इसको बुला ही नहीं सकते। हमारे यहाँ ये नहीं है कि उम्र से चाहे 3 साल छोटा हो, उम्र से 30 साल छोटा हो, मैंने देखे हैं वहां पार्लियामेंट में उम्र में 30 साल छोटा लेकिन बुजुर्ग को पांव छूने पड़ रहे हैं क्योंकि उसके पास पावर है। हमारे यहां परिवार की तरह एक रहते हैं। आज हमारे परिवार में हिमाचल में वृद्धि हो रही है, बहुत बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। बस मेरे ख्याल में चंद किलोमीटर सोलन रह गया था, अचानक से बादल एक आया कि चौपर उन्होंने फैसला किया कि हम वापस जाएंगे, लेकिन वादा करते हैं दोबारा फिर आएंगे। और जितने भी आपके यहाँ प्रबंधक हैं जो पर्दे के पीछे रह के काम करते हैं, मैं चाहूँगा उनके लिए एक जोरदार ताली भी हो जाए। और क्योंकि आम आदमी पार्टी पूरे देश में फैल रही है इसलिए बहुत सी दिक्कतें भी आएंगी, आपके यहां भी आएंगे, घर पे भी आएंगे। पोस्टर क्यों लगा रखा है, तुम उनकी रैली में मत जाओ, तुम कितने आदमी लेके जा रहे हो, ये छोटी मोटी बातें हैं, इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। बस एक ही प्रण करना है, दुनिया में बड़े बड़े लोग आए, पैसे वाले आए लेकिन खाली हाथ चले गए, लेकिन जो देश के लिए कुछ कर गए उनका नाम है, उनको लोग याद करते हैं। अपने लिए हर एक जीता है, देश के लिए जीतो, देश के लिए जियो तो बड़ी बात है। शहीद आजम भगत सिंह का एक शेर है कि इश्क करने का सबको पैदाइशी हक है, इश्क करने का सबको पैदाइशी हक है, क्यों ना इस बार वतन की सरजमी को महबूब बना लिया जाए। वो योद्धे जिन्होंने वतन की सरजमी को महबूब बनाया उन्हीं को हम याद करते हैं। इसीलिए भगत सिंह 23 साल के थे जब उनकी शहीदी हुई, वो आने वाले 500 साल के बाद भी वो 23 साल की रहेंगे। तो जो शहीद हैं वो अमर होते हैं, वो कभी मरते नहीं हैं। लेकिन हम तो भगत सिंह के पांव के तिनके की धूल के तिनके के बराबर भी नहीं है, लेकिन अगर हम उनके दिखाए हुए रास्ते पर 0.01% भी चलें तो भी बहुत सुधार हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि हिमाचल जो है, जो बिल्कुल साथ में पंजाब के पहाड़ियां शुरू हो जाती हैं यहां से पंचकूला से, तो मुझे उम्मीद है कि यही जाग जो है वो उधर भी मिलेगा। क्योंकि कहते हैं कि दही जितना मर्जी जमाना हो, जाग का तो एक चम्मच ही चाहिए होता है। दिल्ली से जाग लिया हमने, पंजाब में ईमानदारी का दही जमाया, अब दिल्ली और पंजाब आपको 2 चम्मच दे रहे हैं, हम 2 चम्मच जाग के दे रहे हैं, तो हिमाचल में भी ईमानदारी का दही जमाओ। ये आपके बिना मुमकिन नहीं है। पब्लिक बड़ी है, लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं, नेता बड़े नहीं होते। पब्लिक जब चाहे आदमी अर्श पर, पब्लिक जब चाहे आदमी फर्श पर। सो इसलिए हम तो आम लोग हैं, आओ इकट्ठे होके अपने देश को आगे लेके जाएं, अपने प्रदेश को आगे लेके जाएं, ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आने वाली जो जनरेशन है, वो आपको इस बात के लिए शुक्रिया करें कि आपने समय पर एक सही फैसला लिया और उसके बाद हमें अच्छा जो फ्यूचर, हमें अच्छा भविष्य मिला। मैं ज़्यादा समय नहीं ले लूँगा क्योंकि ज़्यादातर हमने फायदा उठाना है, क्योंकि मैं तो कभी भी आ जाऊंगा आपके पास। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आपके साथ विचार और आम आदमी पार्टी का एजेंडा, आने वाले दिनों की जो योजनाएं वो आपके साथ साझा करें। श्री अरविंद केजरीवाल जी। थैंक यू भगवंत, आप सब लोगों को बहुत बहुत
नमस्कार आप सबको, मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं, जैसा भगवान जी ने कहा, मैं माफी मांगता हूँ कि हम आपके बीच में आना चाहते थे। अब तो अभी हम वीडियो के जरिए आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी हम दोनों आपके बीच में, सबके बीच में आएंगे। चंद महीने गुजरे हैं केवल, और चंद महीनों के अंदर नहीं होता। आज जब मैंने सुबह लोगों को बताया, ट्वीट किया कि हमारे 9000 से ज्यादा पदाधिकारी, वॉलंटियर नहीं पदाधिकारी, 9000 से ज्यादा ऑफिस बेरर आज शपथ लेने वाले हैं, तो इस इतने बड़े स्केल के ऊपर हमारी हर पंचायत के ऊपर अब हमारी कमेटी बन गई है, और उसके ऊपर हमारे पदाधिकारी बन गए हैं। तो जितने उनमें से 9000, मुझे बताया गया कि मौसम की वजह से शायद सभी तो नहीं आ पाए, लेकिन बहुत सारे लोग अपने घर पे भी देख रहे हैं इस कार्यक्रम को। आप सब लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं, इतने कम समय में इतने बड़े स्तर के ऊपर पदाधिकारी बन गए। इसका मतलब आम लोगों के बीच में, हिमाचल प्रदेश के आम लोगों के बीच में आम आदमी पार्टी को लेके बहुत ज्यादा प्यार और विश्वास है, और बहुत बड़े स्तर के ऊपर लोग जुड़ते जा रहे हैं। मुझे ये तो नहीं पता कि शपथ हो गई है या होने वाली है, लेकिन आज ये शपथ ग्रहण समारोह है आप सब लोगों का। जितने भी पदाधिकारी हैं, आज आप शपथ लेंगे कि हम हिमाचल प्रदेश के लोगों की तन मन धन से सेवा करेंगे। आज हम शपथ लेंगे कि हम अपने देश की निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे। हम अपने देश के प्रति तन मन धन, अगर जान देने की जरूरत पड़े तो हम जान भी देंगे। आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी के तीन स्तंभ हैं। सबसे पहले कट्टर ईमानदारी, हमारी पार्टी कट्टर ईमानदार है। दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है कि अपने, हमारे यहाँ अगर अपना भी अगर कोई भ्रष्टाचार करे तो छोड़ते नहीं है। दिल्ली में मेरे एक मंत्री ने भ्रष्टाचार करने की कोशिश की, एक ऑडियो आई थी, मैंने उस मंत्री को सीबीआई के हवाले कर दिया। अभी थोड़े दिन पहले पंजाब के अंदर हमारे एक मंत्री ने भ्रष्टाचार करने की कोशिश की और मान साहब ने उसको जेल भेज दिया। हमारे यहाँ भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाता। तो सबसे पहली हमारा आइडियोलॉजी का स्तंभ है कट्टर ईमानदारी। दूसरा है कट्टर देशभक्ति, देश के लिए हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे, कट्टर देशभक्ति। और तीसरा है इंसानियत, हमें सबकी सेवा करनी है। हमें एक इंसान को दूसरे इंसान की सेवा करनी है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, इस धर्म का हो, उस धर्म का हो, इस जात का हो, उस जात का हो, आदमी हो, औरत हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, किसी भी उम्र का हो, हमें एक इंसान को दूसरे इंसान की सेवा करनी है। चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, ये नहीं देखना, अपने को सबकी सेवा करनी है। और ये तीनों चीजें अपनी गांठ बांध लेना। देश को आजाद हुए 70 साल हो गए, 75 साल हो गए, 75 साल हो गए, और 75 सालों में हमसे कई दूसरे देश हमसे आगे बढ़ गए। आज हमारा देश इतना खूबसूरत है, भगवान ने सब कुछ दिया है, इंडिया के लोग इतने इंटेलिजेंट हैं। 75 साल में तो भारत को नंबर वन देश होना चाहिए था, पर हम पीछे क्यों रह गए? अगर इन्हीं पार्टियों के और इन्हीं नेताओं के भरोसे देश को छोड़ दिया, तो और 75 साल में ये और पीछे कर देंगे देश को। अब बागडोर आपको अपने हाथ में लेनी है। आम आदमी पार्टी की तरफ लोग क्यों देख रहे हैं? केवल 5 साल के अंदर दिल्ली में वो काम करके दिखाया आम आदमी पार्टी ने, जो 75 साल के अंदर ये सारी पार्टियां मिलकर नहीं कर पाई। इसीलिए एक शपथ आज अपने को सबको लेनी है कि हम अपना तन मन धन से देश को दुनिया का नंबर वन देश बनाने के लिए हम सब कुछ लगा देंगे। अब अपने को रुकना नहीं है, अब भारत रुकेगा नहीं, अपने को दुनिया का नंबर वन देश बनाना है भारत को। ये भी आज अपने को शपथ लेनी है। जब आप अपने अपने गांव में घर घर जाओगे, लोगों से बात करोगे, आज लोग महंगाई से बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत महंगी, सब चीजें इतनी महंगी होती जा रही है। अभी हद हो गई, थोड़े दिन पहले इन्होंने दही के ऊपर जीएसटी लगा दिया, बताओ, लस्सी के ऊपर जीएसटी लगा दिया, छाछ पे जीएसटी लगा दिया, इन्होंने गुड़ पे जीएसटी लगा दिया, इन्होंने गेहूं पे, चावल पे, खाने पीने की चीजों पे जीएसटी लगा दिया। ऐसे तो अंग्रेज किया करते थे। इतनी चीजें महंगी हो रही है और फिर भी और टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स लगाते जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर हम लोगों ने लोगों को, महंगाई तो पूरे देश में हो रही है, लेकिन दिल्ली के अंदर हमने उनको महंगाई से थोड़ी बहुत राहत दिलाने की कोशिश की है। आज दिल्ली में
लोगों को अपने बच्चों की पढ़ाई के ऊपर पैसे नहीं खर्चने पड़ते। अमूमन एक बच्चे की पढ़ाई पे अगर अच्छी पढ़ाई करानी हो 3-4 हजार 5 हजार रुपये महीना खर्चा आ जाता है। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने शानदार कर दिए कि लोगों को अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल भेजने की जरूरत नहीं है। तो लगभग अगर किसी के 3 बच्चे हैं तो 12,000 से 15,000 रुपये तो उनके फीस के ही बच गए। आज दिल्ली के सारे लोगों का हमने इलाज मुफ्त कर दिया, आपके जो सारी दवाइयां सारे टेस्ट सब कुछ मुफ्त कर दिया, इससे लोगों के खूब पैसे बचने लग गए। आज दिल्ली में बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, लोगों को मुफ्त में तीर्थ यात्रा पे लेके जाते हैं, लोगों को मुफ्त में योगा करा रहे हैं। अगर कोई अगर एक्सीडेंट हो जाए किसी का दिल्ली के अंदर तो उसका पूरा इलाज मुफ्त होता है। तो इतनी सारी चीजें दिल्ली के लोगों को दे रहे हैं। तो महंगाई तो है लेकिन इन सब चीजों की वजह से लोगों को महंगाई से थोड़ी राहत मिली है। तो जब घर घर जाओगे, ये हमने कैसे किया, हमने किया क्योंकि हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया दिल्ली में, उससे खूब पैसा बचने लगा। हमने फिजूल खर्ची, इतनी फिजूल खर्ची होती है सरकार में, 10 रुपए की चीज 100 रुपए में करते हैं, हमने वो सारी फिजूल खर्ची बचाई, उससे पैसे बचे। हमने कोई टैक्स नहीं बढ़ाया, टैक्स कम कर दिए और जनता को इतनी राहत दी है। पूरे देश में ये हो सकता है। मैं आज इस मंच के माध्यम से केंद्र सरकार से भी अपील करता हूं कि प्लीज ये GST में जो बढ़ाया आपने इसको वापस ले लीजिए। केंद्र सरकार से अपील करता हूं, अगर आप दिल्ली की तरह भ्रष्टाचार खत्म कर दो, फिजूल खर्ची खत्म कर दो, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं देश में GST बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको GST कम करने पड़ेंगे, टैक्स कम करने पड़ेंगे। तो आप जब घर घर जाओ तो लोगों को बोलना कि दिल्ली के लोगों को महंगाई से राहत दी है। महंगाई से राहत देने का फार्मूला केवल आम आदमी पार्टी को आता है। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाओ, आपको दिल्ली वालों की तरह हिमाचल प्रदेश में भी हम महंगाई से राहत दिलाएंगे। घर घर जाके बताना लोगों को कि बाकी पार्टियों ने क्या दिया आपको। बीजेपी वालों को भी बोलना, कांग्रेस वालों को भी बोलना कि तुम्हारी पार्टियों ने क्या दिया। बोलो हमें एक मौका देके देखो, बीजेपी वालों कांग्रेस वालों दूसरे जो किसी पार्टी में, हमें एक मौका देके देखो, हम तुम्हें महंगाई से राहत दिलाएंगे। आज बेरोजगारी इतनी हो गई है, हमारे बच्चे पढ़ पढ़ के बेरोजगार घूम रहे हैं। दिल्ली के अंदर पिछले 5-7 साल के अंदर मैंने 12 लाख बच्चों को रोजगार का इंतजाम किया है, 12 लाख बच्चे। और अभी मैं लगा हुआ हूं अगले 5 साल के अंदर मैंने ठाना है कि 20 लाख बच्चों को रोजगार और देना है, उसका पूरा खाका तैयार करना है। तो आपके बच्चों को नौकरी देना हमें आता है और किसी पार्टी को नहीं आता, हमारे पास फॉर्मूला है। आपके बच्चों को रोजगार देंगे, आपको महंगाई से छुटकारा दिलाएंगे। तो जब घर 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 जाओ तो लोगों को ये बताना कि हम लोगों के लिए काम करते हैं, हम आपको बेरोजगारी से छुटकारा दिलाएंगे, हम आपको महंगाई से छुटकारा दिलाएंगे। हमें पॉजिटिव राजनीति करनी है, हमें जनता की राजनीति करनी है, गाली गलौज नहीं करना। सबको ये बोलना कि देखो जी अगर गंदी राजनीति चाहिए तो इनको वोट दे दो, अगर आपको दंगे चाहिए तो इनको वोट दे दो, अगर आपको भ्रष्टाचार चाहिए तो इनको वोट दे दो, अगर गाली गलौज चाहिए तो इनको वोट दे दो, अगर आपको अपने बच्चों के लिए स्कूल चाहिए, महंगाई से छुटकारा चाहिए, रोजगार चाहिए, अस्पताल चाहिए, सड़कें चाहिए तो हमें वोट दे दो। अभी पंजाब में हमारी नई नई सरकार बनी है और देखो कितना शानदार काम होने लग गया। अभी नई नई सरकार 3 महीने भी नहीं हुए और यकीन नहीं होता, मान साहब ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया 1 जुलाई से पंजाब के लोगों की बिजली फ्री। कोई यकीन कर सकता है? नहीं नहीं, अभी तो पिछले वाले कहते थे घाटे में चल रहा है पंजाब, घाटे में चल रहा है। अरे 3 महीने के अंदर कहां गया भाई वो घाटा, हमने तो बिजली फ्री कर दी। और अब इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक भी बना लिए, 75 मोहल्ला क्लिनिक, 15 अगस्त को 75 मोहल्ला क्लिनिक बन के तैयार हो जाएंगे, लोगों को फ्री में इलाज मिलना चालू हो जाएगा। तो पंजाब के अंदर भी होने लग गया, दिल्ली में हो चुका, हिमाचल प्रदेश के अंदर। आप सब कार्यकर्ताओं की अब जिम्मेदारी है कि एक तो संगठन को मजबूत बनाना है, हर घर को जोड़ना है आम आदमी पार्टी के साथ, और एक नया हिमाचल प्रदेश हम सब लोग मिलकर बनाएंगे। तो आप लोगों की ये जिम्मेदारी है। आप सब लोगों को मैं फिर से बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं और मान साहब आपके बीच में बहुत जल्दी आएंगे, हिमाचल प्रदेश में बहुत जल्दी आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा आग्रह रहेगा माननीय अध्यक्ष महोदय सुरजीत सिंह ठाकुर जी से कि वे आपको शपथ दिलवाएं। मैं सुरजीत सिंह ठाकुर देवभूमि हिमाचल को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूं कि आम आदमी पार्टी द्वारा निर्देशित सभी गतिविधियों का पालन निष्ठापूर्वक करूंगा। इनकलाब, जय जय हिमाचल।